तो दोस्तों आज हमारे पास एक सर्कुलर रगेड स्मार्ट वॉच है और ये है एम्ब्रेन की एम्ब्रेन वाइज क्रेस्ट। इस स्मार्ट वॉच का जो प्राइस है वो यहाँ पर आपको मिलता है 1999 रुपये जो इसका लॉन्च प्राइस है। तो 2000 रुपये के अंडर में यहाँ पर एक रगेड स्मार्ट वॉच यहाँ पर एम्ब्रेन ने लॉन्च करी है। तो कैसी स्मार्ट वॉच है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस जो वॉच को मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर टेस्ट कर रहा था, तो देख सकते हो ये कुछ इस तरह से दिखती है। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हो ये इस तरह के बॉक्स में आती है, और इसका डिज़ाइन यहाँ पर कुछ इस तरह से सर्कुलर सा। उसके अलावा बॉक्स कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले बॉक्स ओपन करते हैं, यहाँ पर आपके पास एक यूज़र मैनुअल है, यहाँ पर जो QR कोड स्कैन करना होगा यूज़र मैनुअल के लिए। उसके अलावा यहाँ पर वारंटी इन्फॉर्मेशन है, और उसके बाद जो वॉच है कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आती है। तो इसको निकाल लेते हैं और देख सकते हो जो वॉच की लुक है ये कुछ इस तरह से रहती है। इसको आगे देखेंगे थोड़ा और ध्यान से। उसके अलावा बॉक्स में आपको यहाँ पर इसकी चार्जिंग केबल मिलती है, ऑब्वियसली एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है पोको कनेक्टर पेन वाली। तो ये आपको यहाँ पर इसके जो बॉक्स के कंटेंट मिलते हैं। लेकिन अब आते हैं इस वॉच की तरफ। तो सबसे पहले जो वॉच है भाई, जैसा मैंने बताया था रगेड स्मार्ट वॉच है, तो इसकी लुक है वैसे ही कुछ है, काफ़ी रगेड सा डिज़ाइन है। ऊपर की तरफ यहाँ पर ये जो डायल है ये मेटल का है, साइड में यहाँ पर ये जो शेल है इसका वो यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट है। तो दिखने में काफ़ी यार रगेड टाइप की इसकी लुक लगती है, काफ़ी बढ़िया भी लग रही है वैसे। उसके अलावा यहाँ पर इसके अगर ओवरव्यू की बात करूँ तो फ्रंट में यहाँ पर 1.39 इंच का यहाँ पर जो सर्कुलर डिस्प्ले मिलता है, साथ में यहाँ पर दो बटन्स हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। पीछे की तरफ इसके हार्ट रेट सेंसर, SPO2 सेंसर, चार्जिंग पॉइंट्स हैं। स्ट्रैप्स जैसा आप देखोगे ना तो यहाँ पर उसकी भी जो लुक है यहाँ पर रगेड जैसी है, और स्ट्रैप्स बोलूंगा कि यहाँ पर ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बोलूंगा लेकिन रगेड टाइप के जो स्ट्रैप्स हैं, और ये जो स्ट्रैप्स हैं ना रिप्लेसेबल स्ट्रैप्स हैं, तो किसी भी 22mm वाले स्ट्रैप्स आप इनको रिप्लेस कर सकते हो वैसे। तो ओवरऑल जो इसका डिज़ाइन है, बिल्ड क्वालिटी है इस वॉच की, काफ़ी बढ़िया दिखती है भाई। रगेड स्मार्ट वॉच है तो उसी तरह से है, वैसे थोड़ी बल्की है, ऑब्वियसली बात है भाई रगेड है तो थोड़ी सी बल्की भी रहेगी, लेकिन इसका वेट बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी नहीं है। बाकी फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया भाई, इसमें आपको 1.39 इंच का यहाँ पर जो लूसिड डिस्प्ले देखने को मिलता है, बेसिकली एक LCD हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले है, 360x360 पिक्सल की रेजोल्यूशन है, 500 nits की ब्राइटनेस है। इस वॉच को मैंने भाई हर जगह पर टेस्ट किया है, आउटडोर में भी यहाँ पर काफी अच्छे से विजिबल रहता है, चाहे सनी एनवायरमेंट हो, और ऑब्वियसली बात है फिर इंडोर में तो यहाँ पर काफी अच्छी विजिबिलिटी रहती है। उसके अलावा ये एक LCD डिस्प्ले है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कलर्स वगैरह हैं वो काफी बढ़िया है और काफी शार्प डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसमें जैसा यहाँ पर देख सकते हो इसका जो डिफॉल्ट वॉच फेस है वो कुछ इस तरह से, तो इसको यहाँ पर होल्ड करके भी आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज इसकी ऐप में भी जाकर आप बहुत सारे जो वॉच फेसेस हैं इंस्टॉल कर सकते हो। काफी बड़ी सी लाइब्रेरी है, वैसे इसके बॉक्स पे लिखा था 100+, लेकिन मुझे लगता है उससे भी कहीं ज्यादा है। बाकी इस वॉच फेस के साथ आपको इसके जो बेजल्स वगैरह का पता लग जाएगा, वैसे रगेड स्मार्ट वॉचेस में ऊपर की तरफ जो ये फ्रेम होता है ना तो उसकी वजह से बेजल वगैरह इतने ज्यादा दिखते नहीं है। उसके अलावा इसके UI की बात करें तो नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन पैनल है, ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर क्विक टॉगल बटन्स हैं, तो यहाँ पर आप इसकी जो ब्राइटनेस वगैरह यहाँ पर चेंज कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसको हम आगे देखेंगे। उसके अलावा लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर एक शॉर्टकट मेन्यू है, तो यहाँ पर जो रिसेंट जो एप्स रहेंगे, उसके अलावा यहाँ पर जो वेदर की इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, और अगर यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो इस वॉच के जो आपको शॉर्टकट कार्ड दिख जाएंगे। तो सबसे पहले एक्टिविटी का ऑप्शन है, उसके अलावा यहाँ पर आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिलता है जिसको पहनेंगे चेक करेंगे। उसके अलावा कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो कॉलिंग के फीचर है, कॉल रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट्स, टेलीफोन, और यहाँ पर किसी भी नंबर को आपको डायल करना हो तो इस तरह से आप डायल कर सकते हो। तो कॉलिंग का फीचर हम आगे चेक करके मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको स्लीप ट्रैकिंग का भी ऑप्शन मिलता है, नेक्स्ट स्वाइप करेंगे तो वेदर की इन्फॉर्मेशन है, और आपको यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल का भी ऑप्शन मिलता है, और इसको मैं आपको यहाँ पर चेक करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप प्ले पॉज कर सकते हो, उसके अलावा नेक्स्ट या फिर प्रीवियस जाना हो तो वो आप यहाँ पर जा पाओगे, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूँ तो वो भी कर सकते हो, तो ये भी फीचर काफी अच्छे से अपना काम करता है। उसके अलावा और शॉर्टकट कार्ड ऐड करना है तो आपको यहाँ पर प्लस के बटन पर टैप करना है, तो एग्जिस्टिंग शॉर्टकट कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर नीचे से और प्लस के बटन पर टैप करके आप ऐड भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको इसको मूव करना हो तो वो कर सकते हो, या फिर आपको इसको हटाना हो कोई तो वो भी हटा पाओगे, तो ये कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस वॉच का मेन्यू एक्सेस करने के लिए ये जो नीचे वाला बटन है इसको प्रेस करना है, तो यहाँ पर इस वॉच का मेन्यू आप एक्सेस कर सकते हो, सारे जो यहाँ पर फीचर आपको दिख जाएंगे इस स्टाइल में। तो सबसे पहले यहाँ पर टेलीफोन, कॉन्टैक्ट और कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन है, उसके अलावा यहाँ पर आपको वॉइस असिस्टेंट का भी ऑप्शन मिलता है, तो गूगल असिस्टेंट, सीरी अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ से वो यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा स्टेप, स्पोर्ट्स यहाँ पर में जाओगे तो यहाँ पर आपको 100+ स्पोर्ट्स मोड भी मिलते हैं, और ये जो स्पोर्ट्स मोड है आप इसके ऐप के थ्रू और भी ऐड कर पाओगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड हैं इसके ऐप में भी हैं, तो जैसे मैं ये वाला स्विम वाला जो ऑप्शन है इसको ऐड करना हो तो उसको चूज करके मैं ऐड कर सकता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो जो स्विम वाला ऑप्शन है इसमें ऐड हो गया है, तो ये यहाँ से आप जो कस्टमाइज कर सकते हो। उसके अलावा जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है जो आप यहाँ पर स्पोर्ट्स रिकॉर्ड में देख सकते हो, हार्ट रेट, स्लीप, ब्लड प्रेशर, और यहाँ पर आपको जो BP का भी ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा मैसेजेस, वेदर का भी ऑप्शन है, उसके बाद फीमेल के लिए यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग का भी ऑप्शन है, उसके अलावा म्यूजिक कंट्रोल, स्टॉप वॉच, टाइमर, अलार्म क्लॉक,
फाइंड फोन का ऑप्शन है और लास्ट में यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है। और सेटिंग में सबसे पहले यहाँ पर आपको जो मेन्यू स्टाइल के ऑप्शन मिलते हैं, तो अभी जो हमने मेन्यू स्टाइल देखा था वो यहाँ पर लिस्ट स्टाइल था, इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर आप जो तीन जो मेन्यू स्टाइल उसे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं पहले वाले को सिलेक्ट करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर हनी कॉम ग्रिड स्टाइल जैसा जो मेन्यू हो गया, तो देख सकते हो काफ़ी स्मूथ यहाँ पर जो टच रिस्पॉन्स है, इवन जो UI है वो भी मुझे काफ़ी स्मूथ सा ही लगा है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट मेन्यू स्टाइल है वो कुछ इस तरह से है, तो देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ डायल टाइप का जो मेन्यू स्टाइल मिलता है, लेकिन मैं पहला वाला ही चूज कर देता हूँ। इसके अलावा डिस्प्ले के कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे वॉच फेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस है, स्क्रीन टाइम, रेस टू वेक वाला फीचर आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद बैटरी वाइब्रेशन इंटेंसिटी यहाँ से चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज का ऑप्शन है, QR कोड, पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप अपने वॉच में पासवर्ड या पासकोड रखते हो तो यहाँ से वो ऐड कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर सिस्टम का ऑप्शन है, और सिस्टम में यहाँ पर शट डाउन, रीसेट, सिस्टम इन्फो, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो फीचर वाइज यहाँ पर मैं बोला कि काफ़ी बढ़िया फीचर हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ फीचर मुझे मिसिंग भी लगे, जैसे कैलकुलेटर यहाँ पर नहीं है, और कुछ आजकल गेम्स वगैरह भी मिल जाती हैं आपको वॉचेज में, तो वो आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको यहाँ पर सारे जो बेसिक फीचर हैं सारे मिल जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर जो वॉच का UI है वो भी बोला कि यहाँ पर काफ़ी बटर स्मूथ है, तो ये चीज़ काफ़ी सही है, तो UI एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर हो जाता है ऐसे। उसके अलावा ऑब्वियसली भाई रगेड स्मार्ट वॉच है, तो इसमें आपको IP68 की रेटिंग मिलती है, तो पानी में अराउंड 1.5 मीटर तक ये 30 मिनट तक सर्वाइव कर जाएगी। तो स्विमिंग वगैरह आप करते हो तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप 30 मिनट तक करते हो सिर्फ। उसके बाद इस वॉच का जो बैटरी बैकअप है वो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर वैसे कंपनी बोलती है 10 दिन, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर ये जो वॉच है आपको 7 दिन का बैटरी बैकअप आराम से दे देगी। विद कॉलिंग यहाँ पर ये जो वॉच है 3 से 4 दिन चल जानी चाहिए। तो जैसे मैं बोला भाई कुछ दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने 10 दिन तो इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन जो मेरा यूजेज रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर 3 दिन तो आराम से कॉलिंग के साथ वर्क कर जाएगी। लेकिन अब जल्दी से इस वॉच को मैं आपको पहन के भी दिखाता हूँ। इसका जो हार्ट रेट सेंसर, SPO2 सेंसर और कॉलिंग का फीचर है उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके वॉच की जो इन हैंड लुक है वो कुछ इस तरह से रहती है। ऑब्वियसली रगेड स्मार्ट वॉच है तो थोड़ी सी बल्की है, अगर आपकी स्किनी जो रिस्ट रहती है तो उसमें थोड़ी सी बड़ी लग सकती है, लेकिन यहाँ पर दिखने में काफ़ी बढ़िया है, मुझे काफ़ी सही लगी इसकी लुक। उसके अलावा हार्ट रेट और SPO2 है उसको भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हार्ट रेट है उसको मेजर करेंगे, और मैंने अपने फिंगर पर एक ऑक्सीमीटर लगाया तो उससे इसको कंपेयर कर लेते हैं, और देख सकते हो जो फाइनल रीडिंग यहाँ पर है वो देख सकते हो काफ़ी यहाँ पर सिमिलर सी है। और उसके बाद यहाँ पर इसमें जो आपको SPO2 का जो ऑप्शन मिलता है तो उसको भी मैं चेक कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी जैसा आप देख सकते हो जो फाइनल रीडिंग रहती है काफ़ी क्लोज ही रहती है। और इस वॉच में ना आपको BP का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन वॉचेज़ में मैं ज़्यादा BP पे रिलाई नहीं करता हूँ, और वैसे आपको स्मार्ट वॉचेज़ पर इतना ज़्यादा रिलाई भी नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो अगर आप इनको यूज़ करो तो सिर्फ यहाँ पर आइडिया लेने के लिए यूज़ करो। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये जो वॉच है इसमें आपको वेट डिटेक्शन वाला फीचर भी मिलता है, तो अगर आपने इस वॉच को नहीं पहना ना तो यहाँ पर ये एरर शो कर देता है, तो किसी तरह से कोई भी यहाँ पर फॉल्स रीडिंग नहीं आती, चाहे आप इसको टेबल पर रख के भी चेक करो तो देख सकते हो। उसके अलावा इसमें आपको कॉलिंग का फीचर मिलता है तो उसको भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नंबर है उसे डायल करूंगा, और इस वॉच का जो स्पीकर का वॉल्यूम है उसे चेक करेंगे कि वो कितना लाउड है। तो यहाँ पर जो स्पीकर का वॉल्यूम है वो पूरा फुल है, और यहाँ पर आप सुन सकते हो जो स्पीकर का वॉल्यूम है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि इंडोर के लिए तो काफ़ी बढ़िया, आराम से आप इस पर कॉल ले सकते हो। आउटडोर में अगर बहुत ज़्यादा जैसे नॉइज़ वगैरह रहेगी, जैसे शोर वगैरह रहेगा, तो उसमें थोड़ा सा आपको कम लग सकता है, लेकिन कॉलिंग जैसे था आप इस पर ले सकते हो। उसके अलावा माइक की क्वालिटी की बात करें तो वो भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी डिसेंट है, मैंने इस पर कुछ कॉल्स वगैरह लिए हैं टेस्ट करने के लिए, और सामने वाले को किसी तरह से सुनने में प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन बहुत ऐसे पास रखकर शायद आप बात करोगे तो थोड़ा और बेटर रहेगा क्योंकि माइक है इसका वो कुछ इस साइड पर है। तो माइक मेरे को लगता है कि यहाँ पर डिसेंट है, इवन जो स्पीकर भी है वो भी बोलूँगी काफ़ी बढ़िया कॉलिंग वगैरह के लिए, तो कॉलिंग के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर मुझे लगता है कि और कुछ तो शायद नहीं रह गया इस वॉच में बोलने के लिए। तो ओवरऑल ये है एमरेन की एक रगेड स्मार्ट वॉच वाइस क्रेस्ट, और जो इसका प्राइस है भाई 2000 रुपये जो इसका लॉन्च प्राइस है उसके हिसाब से दिखने में जो वॉच है भाई काफ़ी बढ़िया है, मेटल की बिल्ड क्वालिटी मिलती है, और दिखने में तो भाई मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है वॉच। डिस्प्ले काफ़ी सही है, काफ़ी शार्प डिस्प्ले है, और उसके अलावा फीचर्स वगैरह भी बोलेंगे काफ़ी डिसेंट है। जैसे मैंने बताया भाई कुछ फीचर मिसिंग है, जैसे वो कैलकुलेटर वगैरह या फिर जैसे आजकल गेम्स वगैरह मिल जाती है तो वो नहीं मिलता आपको इनमें, उसके अलावा सारे फीचर मिल जाते हैं। इवन यहाँ पर जो UI वगैरह है वो मैं बोला कि भाई काफ़ी बटर स्मूथ है, तो ये अच्छी बात है। तो अगर आपका बजट सिर्फ 2000 रुपये है, आप उसमें एक सर्कुलर डिस्प्ले वाली रगेड स्मार्ट वॉच लेना चाहते हो, तो आप ये जो वॉच है एम्ब्रेन वाइस क्रेस्ट इसे यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, मुझे देखने में तो काफ़ी बढ़िया भी लग रही है। और यहाँ पर अगर आप इस वॉच को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो में यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट बटन है, इस पर आप यहाँ पर क्लिक करके YouTube शॉपिंग से यहाँ पर इसे चेकआउट कर सकते हो, मैंने इसे ऐड कर दिया है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और जैसा बताया इसका जो लॉन्च प्राइस है अभी सिर्फ 1999 है, तो इसको खरीदना होगा तो आप ही चेक कर लो, उसके बाद इसका प्राइस शायद बढ़ भी सकता है। तो आपको कैसी लगी ये एम्ब्रेन वाइस क्रेस्ट या मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं मना करूँगा अगली बार। We'll be right back.